गुड मॉर्निंग। आज हम परम सद्गुरु बाबा के 5 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने विशेष ये जो है हमारा परिवार है, प्रवृत्ति मार्ग है, जिसमें बाबा बच्चों को रिगार्ड देते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा बाबा को बच्चों को पढ़ाना है। वहाँ सत्संगों में क्या होगा, गुरु और शिष्य का संबंध रहता है, यहाँ क्या है, बाप और बच्चों का है। तो उसको बाबा ने कहा ये प्रवृत्ति मार्ग का लव है, परिवार में हमेशा प्यार होता है। वहाँ बाबा ने कहा वो सुनने वाले जो भी चेले हैं वो देहे अभिमानी हैं, यहाँ तुम बच्चे जब बाबा से सुनते हो तब हम देही अभिमानी बन करके सुनते हैं। तो बाबा ने हम सबको आत्मा का पाठ पक्का कराया है। दूसरी बात, बाबा ने जो अच्छी रीति ज्ञान को बुद्धि में धारण कर सकेंगे उन बच्चों की निशानियां बताई हैं। श्रूट बुद्धि होंगे, मित्र संबंधियों की याद नहीं आएगी, पढ़ाई में कभी भी उबासी या झुटका नहीं आएगा, आँख बंद करके नहीं बैठेंगे, तो ये सारी ज्ञान की धारणा करने वाले बच्चों की निशानियाँ बताई हैं। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे बाप से वर्षा मिलता है, ये लव देहधारी गुरु दे नहीं सकते। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है श्रूड बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने कहा उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं, श्रूड बुद्धि जो होते हैं वो पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं देंगे, स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे, जो बच्चे तवाही होकर बैठते हैं
जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है, वो ज्ञान को समझते ही नहीं है। उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। ओम शांति। ये है बाप और बच्चों का मेला, गुरु और शिष्य अथवा शिष्यों का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है कि ये हमारे शिष्य हैं अथवा फॉलोअर्स व जिज्ञासु हैं। उनके दृष्टिकोण शिष्य फॉलोअर्स हैं या हमारे जिज्ञासु हैं। हल्की दृष्टि हो गई ना, वो उस दृष्टि से ही देखेंगे। साधारण हो गई ना, ये फॉलोअर्स हैं, ये शिष्य हैं, तो बाबा ने कहा वो हल्की दृष्टि हो गई। आत्मा को नहीं देखेंगे, वो देखते ही हैं शरीरों को। और वो चेले भी फिर देह अभिमानी होकर ही बैठते हैं। तो बाबा ने कहा उनको अपना गुरु समझते हैं, बस दृष्टि ही ये रहती है कि हमारा गुरु है। गुरु के लिए फिर रिगार्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुत फर्क है। यहाँ क्या फर्क है? बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं। हाँ, बाबा ने कहा यहाँ बहुत फर्क है। यहाँ बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं कि इन बच्चों को पढ़ाना है, प्यार देते हैं, रिगार्ड देते हैं कि इन्हें पढ़ाना है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बेखत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों को समझानी है। उन गुरुओं के दिल में बच्चे का लव नहीं होगा। पहला अंतर बताया, यहाँ बाबा रिगार्ड देते हैं। दूसरा अंतर बाबा ने बताया, बच्चों का जो लव है, जो उनमें नहीं है, वो बाबा में है। बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है और बच्चों का भी बाप से लव रहता है। है हमारा सबका बाबा से लव? बोलो लव है तब तो बैठे पढ़ रहे हैं ना। तुम जानते हो बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं, वो क्या सिखाते हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं ना अर्जुन में और यहाँ में, वो क्या सुनाते हैं? बाबा ने कहा आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्म कांड का ज्ञान सुनाते, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते हैं वो। और यहाँ ये तो बाप आया हुआ है जो अपना परिचय दे रहे हैं, वो सारी बातें नहीं सुना रहे। पहले
अपना परिचय देते हैं, फिर हम बच्चों का परिचय, फिर चक्र का ज्ञान देते हैं। हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते थे और ही क्या कहते थे, सर्वव्यापी है। कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है, भक्ति मार्ग वालों को आज भी पूछो तो क्या कहेंगे, बाबने का झट कहेंगे, ए वो तो सर्वव्यापी है। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं कि यहाँ क्या सिखाया जाता है, तो बाबा ने कहा बोलो हम राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई ऐसा सत्संग नहीं होगा जो ये कहें कि हम मनुष्य को देवता बनाते हैं, बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं होते ही हैं सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य। अब हम तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे और फिर तुमको पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। बाबा ने कहा ऐसी युक्ति और कोई भी बता न सके। ये है राजयोग। बाप है पतित पावन, वो सर्वशक्तिवान भी है, तो उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे, क्योंकि योग अग्नि है ना। अलग अलग है। ज्ञान सिखाने के लिए बाप को आना पड़ता है, भक्ति तो है ही चल रही है, तो ज्ञान सुनाने के लिए बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। वो खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं सबका बाप हूँ। ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया है ही सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग, तो सतयुग आदि और कलयुग अंत का ये संगम युग है। इस संगम को कहा जाता है कल्याणकारी युग, लीप युग, छोटा युग। इसमें हम जंप मारते हैं, है छोटा सा युग लेकिन जंप क्या मारते हैं, कलयुग से सतयुग में पहुंच जाते हैं। कहाँ, बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं, वो तो सीढ़ी उतरते हैं आहिस्ते आहिस्ते। यहाँ तो हम छीछी दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं, सीधा चले जाते हैं। जंप मार कर कहाँ जाते हैं, तो बाबा ने कहा सीधा चले जाते हैं एकदम ऊपर शांति धाम, फिर वहां से घर से नीचे आएंगे ना। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं, ये है बेहद की बात। बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं और नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पहले बाबा ने दोनों का
सत्संग का और ये प्रवृत्ति मार्ग बाबा का परिवार, उन दोनों बातों का अंतर बताया। अब बाबा नई दुनिया और पुरानी दुनिया का अंतर बताते हैं कि राजयोग से कैसे हम झट सीधा घर पहुंच जाते हैं। तो बाबा ने कहा, बेखत की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं और नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ सब पवित्र रहते हैं और कलयुग में सब अपवित्र रहते हैं। अपवित्र रावण बनाते हैं। ये सबको समझाते हैं कि तुम अब रावण राज्य अथवा पुरानी दुनिया में हो, असल तुम राम राज्य में थे, अभी इस रावण राज्य में हो। जिसको स्वर्ग कहा जाता था, फिर 84 का चक्कर लगाते लगाते एकदम नीचे आकर गिरे हैं। इतने ऊपर से उतरते उतरते एकदम अभी पट में नीचे आकर पहुंचे हैं। सो तो हम बता सकते हैं, जो अच्छे समझदार होंगे वो झट समझेंगे, जिसको बुद्धि में नहीं आएगा। आप ज्ञान सुना रहे हो तो बाबा ने कहा, जो समझदार समझने वाला होगा वो तो उसको झट समझेगा, और जिसको बुद्धि में समझ नहीं आता होगा वो, बाबा तवाई शब्द कहता है, तवाई मना इधर उधर देखता रहेगा, उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठेगा, वो सामने नहीं सुनेगा, कभी इधर कभी उधर भटकती बुद्धि, तवाई मिसल नहीं, तवा नहीं है, तवाई शब्द सिंधी शब्द है।
ओम शांति। तो बाबा ने कहा, कहते हैं ना, तवाई मिसल इधर उधर देखते रहेंगे, अटेंशन से सुनेंगे नहीं। कहते हैं ना, तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं तो कोई कोई झुटका खाते हैं या अटेंशन और तरफ रहता है, तो अचानक उनसे पूछते हैं, क्या सुना? बाप भी सबको देखते रहते हैं, कोई तवाई तो नहीं बैठे हैं, बुद्धि इधर उधर तो नहीं भटक रही है, मुरली यहाँ चल रही है, इधर देखा, उसको देख लिया। तो बाबा भी ये देखते हैं। जो अच्छे श्रूड बच्चे, बुद्धि बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई में कभी भी उबासी आदि नहीं देंगे। आजकल बाबा का कई दिन से कि क्लास में आँख खुली रख करके बैठना है, तो ऐसे लगता है जैसे बाबा वो संस्कार डाल रहा है, बार बार अटेंशन दिलाते हुए कि बच्चों का ये संस्कार पक्का पड़े। तुम स्कूल में बैठे हो, टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो उबासी नहीं आनी चाहिए, आँख नहीं बंद होनी चाहिए, झुटका नहीं खाना है। बैठे कहाँ हो? और आपका बच्चा अगर स्कूल में बैठा झुटका खाता रहेगा तो अच्छा लगेगा? क्या सिखाएंगे उसको? तो बाबा भी हम बच्चों को सिखा रहा है। बाबा ने कहा, स्कूल में कभी कोई आंख बंद करके बैठे, ये तो कायदा ही नहीं है। कुछ भी ज्ञान समझते नहीं, बाप को याद करना उन्हों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो फिर बाबा कहता है, पाप कैसे कटेंगे? श्रूड बुद्धि तो अच्छी रीति धारण कर औरों को सुनाने का शौक रखते हैं। ज्ञान नहीं तो फिर योग भी नहीं है। बुद्धि में अगर ज्ञान नहीं है, अभी भी नहीं बैठा, और तो बाबा ने कहा, फिर मित्र संबंधियों की तरफ बुद्धि भटकती रहती है। भले यहाँ बैठा होगा तो भी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकती है। यहाँ तो बाप कहते हैं, सब कुछ भूल जाना है, पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। ब्रह्मा ने सन्यासियों आदि को देखा हुआ, बाबा ने सन्यासियों आदि को देखा हुआ है, जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म महतत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं। उनके शांति का प्रभाव बहुत रहता है। अब वो ब्रह्म में लीन तो हो ना सके, फिर भी माता के गर्भ से जन्म लेना ही पड़ता है। आत्मा पुनर्जन्म में तो आएगी ना। बाप ने समझाया है, वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता है, मनुष्य तो बिगर अर्थ समझे ऐसे ही कह देते हैं। बाप समझाते हैं, श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं, देवता कहा जाता है। ऊपर बाबा ने कहा ना, महात्मा है। अब उसे बाबा क्लियर कर रहा है, वो संपूर्ण निर्विकारी है, लेकिन वो सन्यासी नहीं है, वो देवता है। सन्यासी कहना व देवता कहना, उनका भी अर्थ है। वो देवता कैसे बना? सन्यासी से देवता बना, बेहद का सन्यास किया, सन्यासी से फिर देवता बना, बेखत का सन्यास किया, फिर चले गए नई दुनिया में। समझा महात्मा क्यों है? ये सन्यासी से देवता बना है, तो ये सन्यासी भी, अब सन्यासी नहीं है, लेकिन वहाँ जब देवता है तब पवित्र है। तो बाबा ने कहा, बेखत का मालिक बन न सके, नहीं, सन्यासी से देवता बना,
बेहद का संन्यास किया, फिर चले गए नई दुनिया में। वो तो हद का संन्यास करते हैं, बेहद में जा ना सकें, हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़े विकार से, बेहद का मालिक बन ना सकें, राजा रानी कभी भी बन ना सकें। कौन? सन्यासी। उन्हों का धर्म ही अलग है, सन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं अधर्म का विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। विकार भी अधर्म है ना, इसलिए बाप कहते हैं कि इन सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने को आत्मा निश्चय करना है, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते ये पक्का करो, जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जपते हैं, तो तुम भी सारे दिन का हिसाब निकालो। कितनी माला की, वो तो उसका हिसाब रखते हैं, हमें काहे का हिसाब रखना है, हम बाबा को कितना याद करते हैं। तो बाबा ने कहा फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में इतना समय याद रही, टोटल निकालते हो। वो तो सवेरे बैठ करके माला फेरते हैं, भल कोई सच्चे भक्त नहीं होते हैं, कईयों की बुद्धि तो बाहर कहाँ कहाँ भटकती रहती है, माला भी फेरते रहेंगे और बुद्धि भी भटकती रहेगी। अभी तुम समझते हो भक्ति से फायदा कुछ नहीं मिलता, ये तो है ज्ञान, जिससे बहुत फायदा होता है अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव। तो बाबा ने कहा गीता में भी अक्षर है, परंतु उसका अर्थ कोई सुना ना सके। मनमना भव अक्षर है, लेकिन उसका अर्थ नहीं कोई सुना सकते हैं, जवाब देने ही नहीं आएगा। वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ भी है, अक्षर गीता का ही है मनमना भव, लेकिन पहले बाबा ने कहा उसका अर्थ किसको कहने नहीं आएगा, फिर बाबा कहते हैं उसका अर्थ गीता में लिखा हुआ भी है। क्या लिखा है? अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़, मामेकम याद करो। भगवानों वाच है ना, उनको भगवान, परंतु उनकी बुद्धि में है श्री कृष्ण। तो बाबा ने कहा वो तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला है, उनको भगवान कैसे कहेंगे? तो सन्यासी आदि किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों की हो नहीं सकती। समझा सार आज बाबा जो कह रहा है? किसी की भी बाप और बच्चे की दृष्टि हो नहीं सकती। अब दूसरों को, पहले सन्यासियों के लिए कहा, अब बाबा कहते भल गांधी जी को भी बापूजी कहते हैं, है ना, परंतु बाप बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे। भारत का राष्ट्रपिता जरूर कहा, लेकिन उसको लगे ये मेरे बच्चे हैं, तो बाप और बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे। वो तो फिर भी साकार हो गया ना,
तुमको तो समझाया है कि अपने को आत्मा समझो। इसमें जो बाप बैठा है वो बेहद का बापूजी है। लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से वर्षा मिलता है। बापूजी से तो कुछ भी नहीं मिला। महात्मा गांधी, बाबा ने कहा उससे तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, भारत की राजधानी वापस मिली, भले अंग्रेजों से भारत मुक्त हुआ, लेकिन बाबा क्या बात कह रहे हैं, भारत की राजधानी मिली। वर्षा तो नहीं कहेंगे ना, सुख मिलना चाहिए ना। वर्षे होते ही हैं दो, एक हद के बाप का और दूसरा बेहद के बाप का। ब्रह्मा से कोई भी वर्षा मिलता नहीं है, लेकिन चरित्र तो बाबा ही सिखाता है। हम फॉलो किसको करते हैं? ब्रह्मा बाबा को करते हैं। तो श्रेष्ठ आचरण ब्रह्मा से सीखा, पर वैसे वर्षे के रूप में बाबा कह रहे हैं नहीं मिलता। बल सारी प्रजा का वो पिता है, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहते हैं। वो खुद कहते हैं मेरे से तुमको कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। प्रजापिता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, फिर भी वर्षा नहीं मिलता। जबकि तो बाबा ने कहा तो उस बापूजी से फिर क्या वर्षा मिल सकेगा? जब इससे नहीं मिलता तो उस बापूजी से क्या वर्षा मिल सकेगा? कुछ भी नहीं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन बाबा कहता अभी है क्या? भूख, हड़ताल, पिकेटिंग, स्ट्राइक आदि होती ही रहती है। कितनी मारामारी होती है, कोई का डर नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसर्स को मार देते हैं, सुख के बजाय और ही दुख है। तो बेहद की बात यहाँ ही है। बाप कहते हैं पहले पहले तो ये पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। बाप ने हमको एडॉप्ट किया है, हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। तुमको समझाया जाता है कि बाप ज्ञान का सागर आया है और सारे सृष्टि चक्र का राज समझा रहे हैं, दूसरा कोई भी समझा न सके। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो, सतो प्रदान जरूर बनना पड़े। ये भी जानते हो कि पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, इतने सब कहाँ जाएंगे, इतनी ढेर सारी आत्माएं कहाँ जाएंगी? अब तुम्हारी बुद्धि में है हम सब आत्माएं ऊपर से आई थी यहाँ पार्ट बजाने। आत्मा को ही एक्टर कहेंगे, आत्मा एक्ट करती है शरीर के साथ। आत्मा को ऑर्गन्स तो चाहिए ना। आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा 84 लाख जन्म नहीं लेती है। हर एक अगर 84 लाख जन्म ले फिर पार्ट कैसे रिपीट करेंगे? याद नहीं रह सकता, स्मृति से बाहर चला जाए, 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते हैं तो 84 लाख भूल जाते हो। अब तुम बच्चों को बाप को याद कर पवित्र जरूर बनना है।
इस योग अग्नि से भी कर्म विनाश होंगे। ये भी निश्चय है कि बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा कल्प कल्प लेते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा है कि मामेकम याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। तुमने बाप को पुकारा है तो अब बाप आए हैं किस लिए? पावन बनाने। पावन होते हैं देवता, पतित होते हैं मनुष्य। पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना है। तुम शांति धाम में जाना चाहते हो या सुख धाम में आना चाहते हो, उनको पूछो। सन्यासी तो कहते हैं सुख तो काग विष्टा के समान है, हमको तो शांति चाहिए। वो तो सत्युग में कभी भी आ नहीं सकेंगे। सत्युग था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, देवताएं निर्विकारी थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते पतित बने हैं। अब बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है। चलना है माताएं, किस किस को चलना है जरा हाथ खड़ा करो तो। सबको चलना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर स्वर्ग में चलना है तो पवित्र बनना पड़ेगा। स्वर्ग में चलना है तो मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं और तुम पूर्ण आत्मा बन जाओ। फिर शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे, वहां शांति भी है तो फिर सुख भी है। अभी है दुख धाम, फिर बाप आकर सुख धाम की स्थापना करते हैं और दुख धाम का विनाश। चित्र भी सामने है, बोलो अभी तुम कहाँ खड़े हो? अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है, बाकी जाकर थोड़ा टुकड़ा होगा। इतने सब खंड वहाँ होते नहीं, इसलिए जो भी खंड है उसको बाबा कहता है अखंड भारत रहेगा। अभी तो टुकड़े टुकड़े बटा हुआ है ना। ये सब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बैठ समझाते हैं। ये है कहाँ बैठे हैं? पाठशाला। भगवान उवाच, पहले पहले बाप का परिचय देना पड़ता है। अभी कलयुग है, फिर हमें सतयुग में जाना है। वहाँ तो सुख ही सुख होता है। एक को याद करना, उसको ही कहा जाता है अव्यभिचारी याद। शरीर को भी भूल जाना है अव्यभिचारी याद, सिर्फ एक की याद और करने वाली मैं आत्मा। शरीर को भी भूल जाना है। शांति धाम से आए हैं, फिर शांति धाम में जाना है। वहाँ पतित तो कोई भी जा न सके। बाप को याद करते करते पावन बन तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आगे इतने सब चित्र थोड़े ही थे, बिगर चित्र भी नटशेल में समझाया जाता था। अभी तो कितने ढेर सारी ये प्रदर्शनी तो बाद में बनी ना, फिर भी सारा ज्ञान तो बाबा ने समझाया। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है। ये है नई दुनिया के लिए नॉलेज, और वो नॉलेज देने वाला बाप ही देंगे ना,
तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर। हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, तुम भी समझाते हो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। उनका नाम है श्री बाबा। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मूंझ जाएंगे, क्योंकि बाबाएं बहुत हो गए। तो श्री बाबा कहो तो वो भी जैसे साईं बाबा, फलाना बाबा, ढेर बाबाएं हैं। तो बाबा ने कहा, क्योंकि बाबाएं बहुत हो गए हैं, म्युनिसिपैलिटी के मेयर को भी कहते हैं बाबा। बाप कहते हैं, मैं इसमें आता हूँ तो भी मेरा नाम शिव ही है। जब यहाँ नहीं हूँ, नहीं आता हूँ, तब भी शिव हूँ। जब शरीर धारण करता हूँ तब भी शिव ही हूँ। मैं इस रथ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूँ। इनको एडॉप्ट किया है, फिर एडॉप्ट करके क्या किया, इनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। इनको भी मेरे से ही वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का सन्यास करना है। इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है। ध्यान रहे, पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भटके। उबासी न आए। जो सुनते जाएं वो धारण होता जाए। वरदान है, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज्य है और कल विश्व का राज्य होगा। आज कल की बात है,
ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा क्या करता है, पुरानी दुनिया को सहज भुला देता है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं हो सकते, समझा? अधिकारी व्यक्ति, वस्तु, संस्कार के अधीन नहीं हो सकते, उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती तो स्वतः छूट जाती हैं। स्लोगन है, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आज का सम्मान है, मैं सफलता मूर्त हूं। बाबा का व्यक्त इशारा है, किस पॉइंट पर बाबा के इशारे मिल रहे हैं इस मास में? इच्छा मात्रम अविद्या का अनुभव। तो बाबा ने कहा, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज व स्थिति तब रहती है जब स्वयं युक्ति युक्त, संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त होते हैं। जो स्वयं सफलता मूर्त नहीं होगा तो वो अनेक आत्माओं के संकल्प को भी सफल नहीं कर सकता। उनको देने के लिए, करने के लिए पहले खुद को बनाना पड़े ना। जो संपन्न नहीं उसको इच्छाएं जरूर होंगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आती है, तब तक इच्छाएं होती हैं। ओम शांति। बाबा ने